एक बार फिर वड्डा रेल हादसा होया जदों चलदी गड्डी दे अगे अचानक सांड आ गया जिस कारण इंजन ट्रैक तो ही थल्ले उतर गया अते इस हादसे तो बाद कई यात्री रेल गड्डियां भी प्रभावित हुई। यह हादसा भिवानी तो सामने आया जिथे वड्डा रेल हादसा हुंदे हुंदे टल गया। यह नमक दे नाल भरी हुई एक माल गड्डी सी जो सांड दे सामने आउण कारण नुकसानी गई। इस हादसे तो बाद माल गड्डी दा इंजन अते एक डब्बा भी पटड़ी तो थल्ले उतर गया जिसके चलते 5-6 यात्री गड्डियां भी प्रभावित हुई। जानकारी मुताबिक भिवानी जंक्शन तो महज 200 मीटर की दूरी ते ही अचानक दो सांड इस माल गड्डी दे सामने आ गए ते हे हादसा वापर गया अते इस हादसे दे विच माल गड्डी दा इंजन ते एक डब्बा पटड़ी तो थल्ले उतर गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी होर ट्रेन इस ट्रैक ते नहीं आई सी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली तो मुरम्मत दे लई एक क्रेन मंगवाई अते कई घंटे बाद इंजन अते उसका डब्बा ट्रैक ते चढ़ाया गया अते पटड़ी नू ठीक किया गया। इस मौके रेलवे अधिकारी ने दसा कि यह हादसा आवारा सांड गड्डी दे अगे आउण कारण होया, फिर भी हादसे की जांच की जाएगी। उन्होंने दसा कि इस हादसे तो बाद 5-6 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई ने। फिलहाल हुण सब कुछ सुचारू रूप दे नाल दोबारा ठीक कर दिता गया। ये एक गुड्स ट्रेन हमारी आ रही थी, रेवाड़ी साइड से आ रही थी, भिवानी यार्ड में इसे हमें स्टेबल करना था। तो अभी फाटक पे एक सांड भूल के रनओवर से इंजन और एक आगे का जो हमारा वैगन है उसका डिरेलमेंट हो गया। तो उसमें प्राइमरी रीज़न तो यही है, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, मेन रीज़न यही है। अभी ARTजो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो दिल्ली से आई थी और अभी काम कर रही है। एक वैगन को हमने रिरेल कर दिया है और अभी इंजन भी रिरेल कर देंगे। कब का ये वाक्य है? ये रात को 9:30 के करीब का वाक्य है। और जब ये डिरेलमेंट हुआ था तो मेन लाइन इससे ऑब्स्ट्रैक्ट हुई थी, वो रात को 1 बजे तक उसको क्लियर कर दिया गया। कितनी जो रेल सेवाएं से प्रभावित इसमें रात में 5-6 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई थी, अभी यातायात नॉर्मल है। सब नॉर्मल है? हाँ, अभी इस समय सब नॉर्मल। अभी 8 बजे 9:30 तक दोनों रेल। एक बार फिर वड्डा रेल हादसा होया जदों चलदी गड्डी दे अगे अचानक सांड आ गया जिस कारण इंजन ट्रैक तो ही थल्ले उतर गया अते इस हादसे तो बाद कई यात्री रेल गड्डियां भी प्रभावित हुई। यह हादसा भिवानी तो सामने आया जिथे वड्डा रेल हादसा हुंदे हुंदे टल गया। यह नमक दे नाल भरी हुई एक माल गड्डी सी जो सांड दे सामने आउण कारण नुकसानी गई। इस हादसे तो बाद माल गड्डी दा इंजन अते एक डब्बा भी पटड़ी तो थल्ले उतर गया जिसके चलते 5-6 यात्री गड्डियां भी प्रभावित हुई। जानकारी मुताबिक भिवानी जंक्शन तो महज 200 मीटर की दूरी ते ही अचानक दो सांड इस माल गड्डी दे सामने आ गए ते हे हादसा वापर गया अते इस हादसे दे विच माल गड्डी दा इंजन ते एक डब्बा पटड़ी तो थल्ले उतर गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी होर ट्रेन इस ट्रैक ते नहीं आई सी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली तो मुरम्मत दे लई एक क्रेन मंगवाई अते कई घंटे बाद इंजन अते उसका डब्बा ट्रैक ते चढ़ाया गया अते पटड़ी नू ठीक किया गया। इस मौके रेलवे अधिकारी ने दसा कि यह हादसा आवारा सांड गड्डी दे अगे आउण कारण होया, फिर भी हादसे की जांच की जाएगी। उन्होंने दसा कि इस हादसे तो बाद 5-6 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई ने। फिलहाल हुण सब कुछ सुचारू रूप दे नाल दोबारा ठीक कर दिता गया। ये एक गुड्स ट्रेन हमारी आ रही थी, रेवाड़ी साइड से आ रही थी, भिवानी यार्ड में इसे हमें स्टेबल करना था। तो अभी फाटक पे एक सांड भूल के रनओवर से इंजन और एक आगे का जो हमारा वैगन है उसका डिरेलमेंट हो गया। तो उसमें प्राइमरी रीज़न तो यही है, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, मेन रीज़न यही है। अभी ARTजो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो दिल्ली से आई थी और अभी काम कर रही है। एक वैगन को हमने रिरेल कर दिया है और अभी इंजन भी रिरेल कर देंगे। कब का ये वाक्य है? ये रात को 9:30 के करीब का वाक्य है।
और जब डिरेलमेंट हुआ था तो मेन लाइन इसके ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी, वो रात को 1 बजे तक उसको क्लियर कर दिया गया। कितनी जो रेल सेवाएं ऐसे से प्रभावित, इसमें रात में 5-6 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई थी, अभी यातायात नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। हाँ, अभी इस समय सब नॉर्मल है। अभी 8 बजे 9:30 तक दोनों रेल।